नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताते चलें कि कैसरगंज लोकसभा सीट से केतकी सिंह का नाम सामने आ रहा है। बीजेपी लगातार केतकी सिंह, जो कि बृजभूषण सिंह की पत्नी है, उनको चुनाव लड़ाने पर जोर दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं बृजभूषण सिंह, इसको लेकर के बीजेपी किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहती। और बीजेपी ने यह प्रस्ताव बृजभूषण सिंह के सामने भी पेश किया था, हालांकि बृजभूषण ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं जो है चुनाव लड़ूंगा, मेरे परिवार या मेरे करीबी कोई भी यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अब इसी बीच बृजभूषण को लेकर के कोर्ट से फैसला आना है इस महीने के अंत तक, तो हमें इंतजार करना होगा उस महीने के अंतिम तारीख तक, जब बृजभूषण को लेकर के कोर्ट से फैसला आएगा। जिस तरीके से महिला पहलवानों ने बृजभूषण को लेकर के गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद से यह मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। और कोर्ट से अगर फैसला बृजभूषण सिंह के खिलाफ आता है, तो निश्चित रूप से कैसरगंज से बीजेपी उम्मीदवार होंगी केतकी सिंह। इसको लेकर के बीजेपी लगातार तैयारियां कर रहा है, मंथन भी कर रहा है, और बीजेपी जो है अब कहीं ना कहीं उस कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि बृजभूषण को लेकर के कोर्ट से क्या फैसला आता है। अगर कोर्ट का फैसला बृजभूषण के हक में आता है, अगर वो निर्दोष साबित हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें टिकट मिलेगा। लेकिन अगर उनके खिलाफ में फैसला आता है, तो केतकी सिंह कैसरगंज लोकसभा सीट से उम्मीदवार हो सकती है। फिलहाल कैसरगंज लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने भी किसी उम्मीदवार का जो है ऐलान नहीं किया है। ऐसे में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्या समाजवादी पार्टी कोर्ट के उस फैसले का इंतजार कर रही है कि अगर बीजेपी ने जो है उन्हें टिकट नहीं दिया, तो क्या समाजवादी पार्टी से उन्हें टिकट मिलेगा, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह पहले भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि ये तमाम जो बातें हैं, ये कयासों पर चल रहे हैं, लेकिन इंतजार करना होगा हमें इस महीने के अंतिम तारीख तक, जब बृजभूषण को लेकर के वो तमाम फैसले आएंगे, जिसके बिहाव पर बीजेपी अब बृजभूषण से या तो दूरियां बढ़ाएगी या फिर उनको टिकट देगी। फिलहाल बृजभूषण को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या उनकी पत्नी अगर कैसरगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती है, तो जीत दर्ज कर पाएंगी? क्या बृजभूषण का जितना दबाव है कैसरगंज और उसके आसपास के लोकसभा सीटों पर, विधानसभा सीटों पर, उतना प्रभाव उनकी पत्नी डाल पाएंगी? आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट के साथ।